हाँ जी गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल हरप्रीत ब्लॉग्स। आई होप आप सभी लोग बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में हम बात करेंगे हमेशा की तरह स्पाउस ओपन वर्क परमिट कैनेडा के अपडेट्स के बारे में, लेटेस्ट पीपीआर के बारे में। वीडियो अच्छी इन्फॉर्मेटिव लगी तो वीडियो को लाइक जरूर करके जाना। अगर नए व्यूअर्स हो चैनल पर तो नीचे सब्सक्राइब का बटन है, टैप करके वीडियो को बंद करना। तो चलिए गाइस, करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो गाइस, आज की वीडियो की शुरुआत करते हैं हमारी पहली टाइमलाइन के साथ। 14 दिसंबर 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक हुए इनके 6 जनवरी 2022 को। मेडिकल इनका अपफ्रंट था एंड रिव्यू स्टार्ट हुआ था 12 अप्रैल 2022 को। एंड फाइनली 18 अप्रैल आज सुबह इनको पीपीआर मिल गई। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, पीपीआर एसओडब्ल्यूपी पीपीआर टाइमलाइन फॉर माय वाइफ। फाइल समय डेटा 23 जुलाई 2021 की। बायोमेट्रिक हुए थे इनके 31 अगस्त 2021 को। मेडिकल इनका अपफ्रंट था 10 फरवरी 2022 का। रेजिस्ड वेब फॉर्म फॉर मेडिकल अपडेट 4 मार्च 2022 को इन्होंने वेब फॉर्म रेज किया अपना मेडिकल को अपडेट करने के लिए। एंड उसके बाद इन्होंने एक और वेब फॉर्म डाला। एंड उसके बाद फाइनली इनका जो रिव्यू है वो स्टार्ट हुआ 23 मार्च 2022 को। एडिशनल डॉक्यूमेंट रिक्वेस्ट इनको मिली 1 अप्रैल 2022 को। एडिशनल डॉक्यूमेंट इन्होंने सबमिट किए 13 अप्रैल 2022 को। एंड उसके बाद फाइनली 18 अप्रैल 2022 को सुबह 7:15 बजे इनको पीपीआर मिल गई। एंड इन्होंने बताया कि आई एम ऑन स्टडी परमिट एंड इट इज वैलिड टिल सितंबर 2022, अप्लाइड फ्रॉम इंडिया। उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 28 अगस्त 2021 की फाइल है। 21 जनवरी 2021 को इनके बायोमेट्रिक हुए। मेडिकल अपडेट इनका 10 फरवरी 2022 को हुआ। रिव्यू स्टार्ट इनका 12 मार्च 2022 को हुआ। एंड फाइनली पीपीआर भी इनको 16 अप्रैल 2022 को मिल गई थी। एंड उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो 4 अगस्त 2021 की फाइल है। 22 सितंबर 2021 को इनके बायोमेट्रिक हुए। 23 मार्च 2022 को इनको मेडिकल रिक्वेस्ट आई थी। 5 अप्रैल 2022 को इन्होंने मेडिकल करवाया। एंड 13 को इनको मेडिकल जो है वो एम्बेसी में भेज दिया था। एंड उसके बाद 14 अप्रैल 2022 को इनको पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो स्टूडेंट प्लस एसओडब्ल्यूपी की फाइल है। 17 दिसंबर 2021 की फाइल है। बायोमेट्रिक हुए थे इनके 29 दिसंबर 2021 को। मेडिकल अपडेट हुआ इनका 30 मार्च 2022 को। एंड इनको भी 15 अप्रैल 2022 को फाइनली पीपीआर मिल गई थी। सो उसके बाद बात करते हैं हमारी नेक्स्ट टाइमलाइन, जो एक मेरी वीडियो के नीचे कमेंट है। आप भी मुझे कोई अपडेट आती है, चाहे किसी का मेडिकल अपडेट हुआ है या किसी को पीपीआर है, तो नीचे कमेंट करके जरूर बताया करो, ताकि मैं उसे वीडियो में लेकर आगे भी पहुंचा सकूं। सो गॉट एसओडब्ल्यूपी पीपीआर, फाइल अप्लाइड ऑन 20 दिसंबर 2021 में। बायोमेट्रिक हुए इनके 30 दिसंबर को। मेडिकल इनका हुआ था 25 फरवरी को। एंड 14 अप्रैल 2022 को फाइनली इनको पीपीआर मिल गई थी। उसके बाद बात करते हैं एक रिफ्यूजल की। फाइल समय डेटा 19 अगस्त 2021 की। बायोमेट्रिक हुए इनके 26 अगस्त 2021 को। मेडिकल अपडेट इनका हुआ था 10 फरवरी 2022 को। एंड 18 अप्रैल 2022 को इनको रिफ्यूजल, मतलब आज इनको रिफ्यूजल मिल गई थी। एंड इनका जो स्टडी परमिट है वो 31 सितंबर 2022 तक वैलिड था। एंड इनको जो रीजन दिया गया वो है जी, आई एम नॉट सेटिस्फाइड दैट यू विल लीव कैनेडा एट द एंड ऑफ योर स्टे एंड ऑल्सो फॉर पर्सनल एसेट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटस, मतलब फाइनेंशियल जो है फंड्स की वजह से इनको रिफ्यूजल दे दी गई। सो गाइस, ये थी हमारी आज की पार्ट 1 की अपडेट। उम्मीद करते हैं कि आज नया वीक है, मंडे का डे है और पीपीआर्स आनी स्टार्ट हो जाएं। सो इस वीक हम उम्मीद करते हैं बहुत सारी पीपीआर्स आएंगी और मेरी वीडियोस ऐसी आती रहेंगी। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में बहुत सारी पीपीआर के साथ। अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक करके जाना। सो मिलते हैं जी अगली वीडियो में। टिल देन, बाय बाय।